तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने हमेशा ही हमारे चैनल पे डीआईवाई मेकिंग किट्स को ढेर सारा प्यार दिया है और आज का भी वीडियो ऐसा ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपके लेकर आए हैं येलो नट्स की तरफ से सोप मेनिया मेकिंग किट और ये एक मेगा टब है जिसके अंदर सारे कंटेंट्स और रेसिपी एवरीथिंग रिलेटेड टू द किट आपको इस टब के अंदर मिलने वाला है। बहुत ही अमेजिंग किट होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये अमेजिंग सोप मेकिंग किट आ रहा है एक रीयूजेबल प्लास्टिक टब में। ब्रांड हमारा येलो नट्स, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग डीआईवाई किट्स बनाते हैं और परचेज लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करते ही सबसे पहले हमारे पास में है ड्रॉपर्स, फिर है स्टेयरिंग स्पून्स, दो स्पून और इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमारे पास में है जिसके अंदर पूरे कंटेंट्स हमको इस टब में क्या क्या मिल रहे हैं प्लस किस तरीके से आपको अपना सोप बनाना है एवरीथिंग इसके अंदर आपको मेंशन है। इसको रीड करने के बाद में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट फिर हमारे पास में है मोल्ड्स, सिंपल सिलिकन मोल्ड्स हैं। सिलिकन जैसे कि आपको पता है कि हीट प्रूफ होते हैं। तीनों मोल्ड्स बहुत अमेजिंग है, एक स्टार शेप है, एक हार्ट शेप है, एक रोज के शेप का है। तो ये तीनों मैं यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ। एक मिक्सिंग कप है विद द लिड और देन हमारे पास में अमेजिंग फ्रेग्रेंसेज हैं एंड कलर्स हैं। चार टाइप के कलर हमारे पास यहाँ पे हैं हमारे सोप को वाइब्रेंट बनाने के लिए और फोर अमेजिंग स्मेल्स हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, लेवेंडर, लेमन ग्रास, रोज, ये सारी फ्रेग्रेंसेस आपको मिल रही हैं। एक हमारा मेजरिंग बीकर है जो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर काम आएगा और कुछ गिफ्ट रैपिंग की एसेसरीज जिससे आप इनको रैप कर सकते हैं। और यह है हमारा मेन सोप बेस, अच्छी खासी क्वान्टिटी में सोप बेस है। आई थिंक इनसे तीनों बन जाने चाहिए। सेफ्टी ग्लव्स एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे पहनने के लिए, अपने हाथ को बचाने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा पॉलीबैग मिल रहा है इसको कैरी करने के लिए, अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या फिर पैक कर रहे हैं। तो स्पाइडरमैन का कैरी बैग हमारे पास में है और कुछ गिफ्ट पेपर्स, सिंपल पेपर्स हैं कलरफुल, और फोर शीट्स हमको यहाँ पे मिल रही हैं गिफ्ट पेपर्स की। और हमारे पास में कुछ अमेजिंग स्टिकर्स, बहुत ही कलरफुल, हर टाइप की पिक्चर्स इसके अंदर है, पैराशूट, यूनिकॉर्न, रेनबो, एवरीथिंग। बहुत ही क्यूट स्टिकर्स हैं, या आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टब ऑलमोस्ट खाली हो गया है, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो एक एक करके सोप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे तीनों सोप्स, तीनों मोल्ड्स के सोप्स एक बार में ही आपको बना के दिखाने वाली हूँ। तो सेफ्टी फर्स्ट, ग्लव्स ऑन। तो मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, उसमें पानी गर्म कर लिया है, उसके ऊपर मैंने दूसरा बर्तन रखा है। इसे कहते हैं डबल बॉइलिंग प्रोसेस। मैंने डायरेक्टली सोप बेस नहीं डाला है क्योंकि बाद में वो ठंडा हो जाएगा और मुझे तीनों सोप बनाने हैं। तो जब तक मैं एक को मोल्ड में डालूंगी तब तक मैं बाकी का सोप बेस उसी गर्म पानी के ऊपर रहने दूंगी, जिससे कि हमारा सोप बेस अचानक ठंडा नहीं होगा और वो उस टेम्परेचर में बना रहेगा जिससे कि हम उसे मोल्ड कर सकें। तो हमारा सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो चुका है, रेडी टू मोल्ड है। तो आइए इसको मोल्डिंग के लिए डालते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिक्सिंग कप के अंदर डाल लूँगी। फर्स्ट मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोज़ शेप का सोप और इसके अंदर रोज़ फ्रेग्रेंस मैंने ऐड कर दी है, प्लस रोज़ का फील देने के लिए रेड कलर मैंने अच्छी खासी क्वान्टिटी में यहाँ पर ऐड करके मैं इसको स्टेयर कर लूँगी। मोल्ड करने से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि फ्रेग्रेंस और कलर अच्छे से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फिर इसको मोल्डिंग के लिए डाल देंगे। तो रेड सोप बनाने के लिए हमने उसको मोल्ड में डाल दिया है, हम उसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसी बीच हम लोग अपना सेकंड सोप बनाते हैं। ये मैं बना रही हूँ स्टार शेप ब्लू कलर का लेवेंडर फ्रेग्रेंस वाला सोप। तो आइए इसे तैयार करते हैं।
थर्ड सोप में बनाने वाली हूँ हमारा थर्ड मोल्ड जो था हार्ट शेप का. हार्ट शेप का हम ये बनाएंगे और इसके अंदर लेमन ग्रास फ्रेग्रेंस में यूज़ करूँगी और कलर मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर येलो और जो मेन ग्रीन था उसको मिक्स कर दें. तो लेट्स सी कि कौन सा कलर आता है. इसमें थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, तो लेट्स सी ये कैसे बन के निकलता है. तो यहाँ पे हमारे तीनों सोप इन प्रोसेस है सेटल होने के लिए. सेट होने के लिए हमने इनको छोड़ा हुआ है रूम टेम्परेचर पे. मैंने रखा है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मैनुअल 20 to 30 मिनट्स के अंदर ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और फिर हम इनको अनमोल्ड करेंगे. ये तीनों सोप बनाने के पास में इतना सब कुछ मटेरियल मेरे पास में अभी भी बचा हुआ है. इसके अंदर फ्रेग्रेंसेज और जो कलर्स थे वो भी मेरे पास में बहुत से हैं, तो मैं इनको बाकी फर्दर एक्सपेरिमेंट के अंदर भी काम कर सकती हूँ. जब तक हमारे सोप सेटल होते हैं, सेट होते हैं, तब तक हम इनके पैकिंग की प्रोसेस चालू कर लेते हैं. तो आई होप ये अच्छे से सेट हो गए हो. तो लेट्स डू द अनमोल्डिंग नाउ. तो गाइज आफ्टर अनमोल्डिंग आप देख सकते हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं हमारे तीनों सोप. कलर बहुत वाइब्रेंट हैं और शेप तो बहुत ही स्मूथ बन के निकला है. सिलिकन मोल्ड्स की यही एक खासियत होती है कि शेप बहुत अच्छे से वो कैप्चर करते हैं. तो आइए इनको हम पैक करते हैं, इनको रेडी करते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए. तो गाइज ये था हमारा आज का DIY सोप मेकिंग मेगा टब बाय येलो नेट्स. आप परचेज लिंक और प्राइस से जुड़ी हुई चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए. हम यहाँ पे ऐसे ही अमेजिंग किट्स आप लिए लेकर आते रहते हैं. तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय गाइज़.